सिर्फ 3 बार में आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द हो जाएगा बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से दोस्तों आप अपनी कमर का दर्द है जो वो सही कर सकते हैं, घुटनों में अगर दर्द है या फिर जोड़ों में कहीं पर भी दर्द है वो सब सही कर सकते हैं इस नुस्खे के द्वारा। दोस्तों, आज के समय में कमर और घुटनों के दर्द से सिर्फ बुजुर्ग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि युवा और बच्चे भी परेशान हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको भी दर्द बना रहता है। हर टाइम उनकी कमर में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है। दोस्तों, इस दर्द का मेन कारण है हड्डियों की कमजोरी। आपको इस दर्द को सही करने के लिए अपनी हड्डियों को मजबूत करना होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने घर पर ही अपनी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द को सही कर सकते हैं। दोस्तों, जोड़ों में दर्द हो या कमर में दर्द, अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये खतरनाक रूप ले सकता है और आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वो घरेलू नुस्खा जिसके द्वारा आप अपनी कमर का दर्द सही कर सकते हैं, घुटनों का दर्द सही कर सकते हैं या फिर जोड़ों का दर्द सही कर सकते हैं। दोस्तों, नुस्खे के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 या 2 छड़ी दालचीनी, 4 से 5 कलियां आपको चाहिए लहसुन की। इन 4 चीजों से दोस्तों आपका तेल घर पर बन जाएगा और आप अगर इस तेल की अपने जोड़ों में, घुटनों पर और या फिर कमर पर मालिश करते हैं तो आपका दर्द 3 बार में ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन ले, गैस पर रखे से इसमें आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। यानी आप 2-3 दिन के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से तेल ले सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही तेल गर्म होगा आपने इसमें डालना है मेथी दाना 1 चम्मच। इस तरह से आप मेथी दाना डाल लीजिए गर्म तेल में। अब दोस्तों, आपने जो दालचीनी ली थी उसके टुकड़े आपने इसमें डालने हैं तेल में। इन दोनों को भूनने के बाद दोस्तों आपने इसमें लहसुन भी डाल लेनी है। लहसुन आपने छील कर डालनी है। अगर आप इसे कूट कर डालना चाहते हैं तो कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इस तेल को इतना गर्म कीजिए जब तक आपकी जो मेथी है, लहसुन है, ये पक ना जाए अच्छे से, लाल या काली सी ना हो जाए, तब तक आपने इसको पकाना है हल्की आंच पर। अब जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा तेल रेडी है मालिश करने के लिए। अब इसको जैसे सुहाता हो तब आपने घुटनों, कमर या फिर जोड़ों में जहाँ पर भी आपको दर्द है वहाँ पर हल्के से मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट तक आपने इस तेल की मसाज करनी है और दोस्तों 3 बार में ही आपके दर्द में आराम मिल जाएगा। इस मालिश के साथ साथ दोस्तों आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है, जब भी आपको दर्द हो तो आपने कठिन एक्सरसाइज नहीं करनी है और आपने ज्यादा आराम भी नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा आराम अगर आप करते हैं तो आपकी मांसपेशियां इससे कमजोर हो जाती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप काम जरूर करें। इसके अलावा सबसे जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना। अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिए, यानी सुबह उठने का समय ठीक रखें और रात को सोने का समय सही रखें। आधा दर्द तो आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, खानपान पर भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तली भुनी चीजों का आपने सेवन नहीं करना है। जंक फूड से भी आप दूरी बनाए रखें। दूध और दूध से बनी चीजें जरूर सेवन करें। बीन्स, साबुत अनाज, मौसमी फल और हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं। खूब पानी पिएं और लिक्विड पदार्थों का सेवन ज्यादा करें। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारे द्वारा बताया गया नुस्खा आजमाएंगे तो आपकी कमर, घुटनों और जोड़ों के दर्द से आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और जोड़ों में दर्द रहता है तो आप इस नुस्खे को जरूर आजमाएं और औरों को भी आजमाने की सलाह दें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।